राशन की दुकानों से फ्री राशन की वस्तुएं लेने वाले कार्ड धारकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। यदि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड नहीं बनवाए हैं तो उन्हें राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने कार्ड धारकों के 100% गोल्डन कार्ड बनवाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जिला पूर्ति कार्यालय को भी निर्देशित कर दिया गया है। DSO ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को इसके लिए लगाया है। जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी ने बताया कि विभाग के पास 45,894 कार्ड धारक है। इसमें 1,41,000 यूनिट जुड़े हुए हैं। इसके सापेक्ष सिर्फ 1,750 कार्ड धारकों के ही गोल्डन कार्ड बने हैं। लगभग 28,000 कार्ड धारकों ने अपने गोल्डन कार्ड नहीं बनवाए हैं। पूर्ति विभाग को सरकार की ओर से निर्देश मिले हैं कि कार्ड धारकों के 100% कार्ड बनाए जाएं। इस संबंध में DSO ने गुरुवार के विभागीय कर्मियों के साथ राशन डीलरों की बैठक भी ली और उन्हें निर्देश दिए कि जो लोग गोल्डन कार्ड का पंजीकरण नहीं कराएगा और कार्ड नहीं बनवाएगा उन्हें राशन नहीं मिलेगा। आपको बता दी कि सभी डीलरों को कार्ड बनवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब हम बताते हैं कि क्या है गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड देश के वह गरीब लोग जो अपनी आर्थिक तंगी और स्थिति से परेशान हैं और जिनके पास इलाज करवाने तक के लिए पैसा नहीं है, देश की सरकार ने उनके लिए आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा साल 2018 में की गई थी, जिसके तहत लोगों को 5,00,000 का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत योजना का ही एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से वो अपना गरीब लोग अपना इलाज फ्री में अस्पतालों में जाकर करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत गरीब और मजदूर लोग सरकार द्वारा चयनित सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। देश के 10 करोड़ लोगों को हर साल इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इलाज हेतु गरीब लोगों का पूरा खर्चा केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत आने वाले लोग सर्जरी, मेडिकल केयर, ट्रीटमेंट, डायकोलॉजिस्ट के साथ साथ 1,350 ट्रीटमेंट किए जाते हैं। योजना में 19 तरह के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, योनादेश की चिकित्सा प्रणाली योग माध्यम द्वारा उपचार किया जाएगा। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। आवेदन के पश्चात आप गोल्डन कार्ड का डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जिन लोगों को अपना गोल्डन कार्ड बनवाना है वो आसपास के जनसेवा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं और अपना जन आरोग्य गोल्डन कार्ड भी बना सकते हैं। तो वो लोग जिनको राशन लेना है और उनके पास गोल्डन कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द गोल्डन कार्ड बनवा लें, क्योंकि फ्री राशन के लिए नियम बदल चुका है। मुफ्त में गेहूं और चावल के लिए भी अब जरूरी हो गया है आयुष्मान गोल्डन कार्ड।